हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर एवर एक्सप्लोरर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, या आपके होम स्क्रीन पे जो इमेज आई है वीडियो ऑन करने से पहले, कि आप बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिज़िकल फिटनेस दिए बिना आप एडमिशन ले सकते हैं विश्व भारती शांति निकेतन में। तो ये सच है। तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, आइए हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट क्या है विश्व भारती शांति निकेतन में एडमिशन लेने के लिए। तो जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है। उससे पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो आपको अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है या ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे विश्व भारती एडमिशन डॉट समर डॉट एजुकेशन डॉट इन पर आप जाके वहाँ पर फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड की, जो वहाँ पे कोर्स है बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन बीपीएड का ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, और टोटल सीट जो यहाँ पे हैं बीपीएड के लिए वो 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी दी हुई है कि किस कास्ट कैटेगरी को कितने कितने सीट्स रिजर्वेशन हैं। तो UR के लिए 25, OBC के लिए 14 और SC ST के लिए, SC के लिए 7 और ST के लिए 4, तो टोटल 50 सीट हैं। सीट विल बी इंक्रीज्ड फॉर EWS कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम NCTE। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए सीट इंक्रीज की जा सकती है, सीट बढ़ाई जा सकती है जब वो NCTE के थ्रू अप्रूव्ड हो जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब देखते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए BPED में एडमिशन के लिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो किसी भी डिसिप्लिन से, बट 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होने चाहिए किसी गेम में, जैसे कि इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन, तो किसी में भी आपका एक एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा जो है वो बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन विद 45 मार्क्स। अगर आपने बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फिज़िकल एजुकेशन से किया है, तो आपका पासिंग मार्क्स जो होगा वो 45% होना चाहिए कम से कम। और दिया गया है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से किए हों, बट 45% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका स्टडीड फिज़िकल एजुकेशन एक कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन उसमें कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। चौथा जो है बैचलर डिग्री विद 45% मार्क्स एंड हैविंग पार्टिसिपेट इन नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट कंपटीशन और सिक्योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बैचलर डिग्री अगर आपका 45% मार्क्स के साथ आप पास किए हों और पार्टिसिपेट किए हों नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट कंपटीशन में, या सिक्योर किए हों फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरह और भी हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो जो आपका एडमिशन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और मेरिट लिस्ट पे बनेगा। यहाँ पे आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं देना है। तो यहाँ पे आपने जो बैचलर डिग्री में जो भी आप बैचलर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन की हो, तो उसके हिसाब से 50 मार्क्स रखे गए हैं। तो जितना आपका उसमें जैसा नंबर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपका दिया जाएगा। सेकंड जो है वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन आपका कितना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल खेले हो या नेशनल, स्टेट चैम्पियनशिप, जो भी खेल हो, अगर रैंक होल्डिंग की हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको उसके हिसाब से इतना मार्क्स दिया जाएगा आउट ऑफ 50 में। अगर पार्टिसिपेशन की हो तो उसके हिसाब से भी ये नंबर दिया जाएगा। तो दोनों की जब मेरिट मिलाए, दोनों का नंबर जब ऐड किया जाएगा, तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, और जिसका हाईएस्ट आएगा वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। तो कुछ चीज़ें दी गई हैं नोट्स में कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ विद इन लास्ट 4 ईयर। तो आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहेगा वो पिछले 4 साल का के बीच का ही होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं। ऐसा नहीं कि 2017 के पहले का आप लेके आ रहे हो। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोड्यूस ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एफिडेविट, फेलिंग विद द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स। तो कैंडिडेट को जो है वो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट और हाईएस्ट स्पोर्ट सर्टिफिकेट एफिडेविट के साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको अवॉर्डिंग मार्क्स, मतलब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ओनली द गेम्स रिकॉग्नाइज बाई IOA एंड क्रिकेट, बॉल, बैडमिंटन, योगा विल बी कंसीडर फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स। तो जो आपके जो भी गेम्स से आप मेरिट लिस्ट में मतलब नाम देखना चाहते हैं, जो भी आप गेम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाओगे वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू,
एंड क्रिकेट बॉल बैडमिंटन योगा भी कंसीडर किया जाएगा अवॉर्डिंग मार्क्स के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जब आप एडमिशन लोगे तो ओरिजिनल प्रूफ के लिए, और एक सेट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास जो आपने पिछला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वेयर अप्लीकेबल, जहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगता है अगर वहाँ पे अप्लीकेबल होता है तो आपको ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बताया, इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते, और करंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये रहा आपका बीपीएड का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब हम आपको बता देते हैं एमपीएड का। तो यहाँ पे एमपीएड भी कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। तो बीपीएड में 50 सीट थी लेकिन एमपीएड में केवल 40 सीट हैं। तो यहाँ पे भी कास्ट को मतलब रिजर्वेशन रखे गए हैं, कौन सी कास्ट को कितने सीट दिए गए हैं, जैसे यूआर के लिए 20, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3, तो टोटल 40 सीट हैं यहाँ पे। सीट विल बी इंक्रीज फॉर ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सीट इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है अगर वो एनसीटीई से अप्रूवल उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किया हो या इक्वेलेंट विद द एटलीस्ट 50 मार्क्स। तो बीपीएड के इक्वेलेंट अगर आपने कोई और भी ग्रेजुएशन किया होगा तो वो आप यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये वहाँ पे आप कर सकते हो, एमपीएड के लिए फॉर्म भर सकते हो। और बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी किया हो इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में विद 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने बीएससी किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में और आप 50% मिनिमम आपका पासिंग मार्क्स हो तो आप यहाँ पे एमपीएड का फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स हैव टू बी फिजिकली फिट एंड अंडर गो कंपल्सरी मैनी विगोरस फिजिकल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज दिस आर ऑब्लिगेटरी कोर्सेज ऑफ दिस प्रोग्राम एंड एक्सप्लोरे इनकम्पास 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पे कैंडिडेट को फिजिकली फिट रहना पड़ेगा एंड कंपल्सरी है फिजिकल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ओके, अब यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसीजर है एमपीएड का वो भी देख लेते हैं। जैसा कि बीपीएड में था 100 मार्क्स का, एमपीएड में भी टोटल 100 मार्क्स का है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आप बीपीएड में ऑप्टेन किए होंगे या प्राप्त किए होंगे उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ 50 में नंबर दिया जाएगा। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन भी 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जैसे बीपीएड में दिया गया था वैसे एमपीएड में भी आपके सामने ये चार्ट दिया हुआ है। तो जैसा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हाईएस्ट रहेगा, रैंकिंग अगर आपने होल्ड की है तो उस हिसाब का आपको इतने नंबर मिलेंगे आप देख सकते हैं, और अगर पार्टिसिपेशन किए होंगे तो उसके हिसाब से भी नंबर यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि बीपीएड में नोट्स था वैसे एमपीएड में भी सेम है। डॉक्यूमेंट अगर देख लें तो यहाँ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास, पिछला एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई किया हो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, और पांचवा जो है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और पांचवा जो है मतलब 6, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुई है, करंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये 6 चीज़ें आपकी एमपीएड में लगेंगी जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप बीपीएड एमपीएड की आप एडमिशन ले सकते हैं, ना यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपका जो पिछला आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स को मिला के जो आपका हाईएस्ट नंबर बनेगा उसके हिसाब से मेरिट निकलेगी, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं विश्व भारती शांति निकेतन में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एमपीएड और बीपीएड का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे जो एमपीएड की जो फीस स्ट्रक्चर है और बीपीएड की, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बीपीएड का, तो यहाँ पे आपका जो बीपीएड का फर्स्ट ईयर का जो खर्चा आएगा या फीस जो है वो कैटेगरी वाइज है। जनरल ओबीसी के लिए जो फर्स्ट ईयर का है वो 9020 रुपीज़ है, और यही अगर एसटी ओबीसी कास्ट का कोई बंदा या कैंडिडेट एडमिशन लेता है बीपीएड कोर्स में तो उसका जो फर्स्ट ईयर का जो फीस होगा वो है 7820 रुपीज़, और सेकेंड ईयर में उससे भी कम। तो सेकेंड ईयर में आपका ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस आपका नहीं लगता है, ट्यूशन फीस लगता है, एडमिशन फीस रजिस्ट्रेशन ये सब के पैसे बच जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट ईयर के मुकाबले सेकेंड ईयर में आपका पैसा कम लगता है। तो टोटल फिजिकल एजुकेशन बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने में आपका टोटल 2 साल में नियर अबाउट
जनरल और ओबीसी के लिए नियर अबाउट 12,000 और एससी एसटी के लिए नियर अबाउट 10,000 के नियर अबाउट खर्चा आएगा। अब यही चीज़ हम एमपीएड में देख लेते हैं, तो एमपीएड में भी ऐसा ही है। एमपीएड में फर्स्ट ईयर में आपका जनरल ओबीसी के लिए 10,870 रुपीज़ आता है और एससी एसटी के लिए 9,670 रुपीज़। अगर दोनों को मिला दे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, तो आपका टोटल खर्चा जो आता है जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ये टोटल आता है नियर अबाउट 14,000 के नियर अबाउट। और एससी एसटी के लिए टोटल एमपीएड का खर्चा जो है वो है 11,000 रुपये, 11,500 रुपये के करीब खर्चा आता है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर की, कैसे आप इस विश्व भारती शांति निकेतन में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिजिकल फिटनेस दिए बिना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।